वादे करके जाते हैं, सड़क बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जब वोट डलवा लेते हैं तो चले जाते हैं। सब सही है, जो काम कर दे वही नेता अच्छा है। भगा भी देते हैं, डंडा लेके दौड़ा भी देते हैं। यहाँ पे उम्दा एकेडमी गई है? हाँ, उम्दा एकेडमी आई थिंक आगे है यहाँ पे। आगे है यहाँ पे। और क्या यहाँ पे कोई नेता वेता नहीं आते हैं? इलेक्शन टाइम में आते हैं? गंदगी देखिए कितनी पड़ी हुई है। देखिए मैम, ये है कि ये तो एक जगह की आप बता रहे हैं, दिल्ली में तमाम NCR में काफ़ी जगह आप देखेंगे तो काफ़ी जगह पे यही स्थिति है। स्लम्स कलस्टर हर कहीं पे ऐसे ही, तो काफ़ी फिर भी सही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा गंदी हालत है लोगों की। चलिए जानते हैं, उम्दा एकेडमी पहुँचते हैं, वहाँ के बच्चों से जानते हैं, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या माहौल है। भैया इतनी सरकार सफाई स्वच्छता अभियान सबकी बात करती है, उसके बाद एरिया देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, NCR, चमक धमक। और ये आशियाना देखिए, ये एक आशियाना ऐसा है, ना रहने की जगह है प्रॉपर, ना खाने की जगह है, हालत देख सकते हैं आप यहाँ की। सरकार के जुमले वादे याद रखिए, चुनाव आएगा, वादे पे वादे, घर दिलाएंगे बच्चियों के लिए करेंगे। नाम क्या है आपका? हमने अरे बताइए नाम ही ना पूछिए। शबनम। कब से रह रही हैं यहाँ पे? दो साल से। दो साल से। क्या नेता वेता कोई आते हैं यहाँ पे? नहीं आता है। कोई नहीं आता है? नहीं। कोई व्यवस्था अंदर? ठंडी गर्मी बरसात सब इसी घर में बिता देंगे। हाँ। घर में कितने लोग हैं आपके? तीन आदमी। तीन आदमी है, बच्चे हैं? एक बच्चा, दो मियाँ बीवी। एक बच्चा है, कितना बड़ा बच्चा? 5 साल का। पढ़ाने भेजती है यहाँ पे? एकेडमी चलती है, NGO चलाती है? हाँ हाँ। दिखा देंगी घर के अंदर की हालत? घर की हालत देखिए, घर क्या, ऐसे घर नहीं बोलेंगे आशियाना, ऊपर टीन रखी हुई है। व्यवस्थाएं देखिए, सरकार के वादे देखिए, एक कमरे में कैसे कैसे गुजर बसर करेंगे दो छोटे छोटे बच्चे। कितने लोग हैं आंटी इस घर में? तीन लोग रहते हैं, ये दो बच्चे और तीन लोग और ना, ये है ना, हमारा वही बच्चा है। एक बच्चा है, पढ़ने के लिए भेजती है? पढ़ने के लिए भेजती है, पढ़ाती पढ़ाती है बच्चों को? पढ़ने है। क्यों नहीं पढ़ने के लिए भेजती है? यहाँ कोई आस पास कोई स्कूल स्कूल नहीं है? है। भेजती क्यों नहीं थी पहले? भेजती थी, अब तो बंद है, अभी पहले भेज रही थी। अच्छा, पानी वानी टाइम पे आता है यहाँ पे? दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, फ्री पानी बिजली सबकी बात करते हैं, कुछ मिलता है आपको? ना किसी मिलता ही नहीं है। कुछ नहीं मिलता है, खाली वादे करते हैं? खाली होते हैं। कोई नेता मंत्री कभी आते हैं यहाँ पे? नहीं आते। किसी से शिकायत की? इतनी गंदगी होती है, इतनी गंदगी है, यहाँ सांस लेना दूभर है, आप लोग जिंदगी बिता देते हैं यहाँ पे। आपके पास कोई आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड आपका बना हुआ है? दिखाइएगा जरा, है आपके पास अभी? अपने पास आ गए है। मियाँ के पास है? मियाँ के पास है। अच्छा, आप इतने साल से यहाँ रह रही हैं, नेता मंत्री आते होंगे? आते हैं। क्या वादे करके क्या जाते हैं? वादे करके जाते हैं, सड़क बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जब वोट डलवा लेते हैं तो चले जाते हैं। फिर अब की तो बनवा दिया था, जो ये केजरीवाल ने जो जीता था, इनने तो बनवा दिया सड़क। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है केजरीवाल अच्छे हैं? हाँ, केजरीवाल अच्छे। बाकी सब सरकारें? मोदी बुरा है। जो काम करते हैं अच्छा। हाँ दादी, क्या बोल रही है? क्या बता रही थी? ये कह रही सब सही है, जो काम कर दे वही नेता अच्छा है। जो काम करते हैं वो नेता अच्छे। अच्छा, वादा कर जाते, करते कुछ भी नहीं। सड़क तो बनवा दी, ठीक। मतलब आपके घर के तरफ सड़क है तो सरकार अच्छी है? नहीं, सड़क कहाँ, ये रहा मेरा घर, वो बाहर बनाई है उन्होंने हमारे नाम। आपके यहाँ नहीं बनी है? नहीं। क्या कहेंगे सरकार से? इस बार वोट होने वाला, इलेक्शन होगा, हर बार होता है, हर बार होता है। सरकार बनेगी, आएंगे मंत्री नेता आएंगे, बढ़िया, अम्मा अम्मा दादी करके पति आएंगे। हाँ। दुनिया भर के वादे करेंगे, लेकिन पूरे करते हैं कि नहीं? नहीं करते, पूरा नहीं करते कोई भी। आप कितने साल से रह रही हैं अम्मा? मेरी तो जिंदगी यही निकल गई। जिंदगी निकल गई। हाँ। आधार कार्ड, वोटर आईडी, सब चीज है मेरी। सुविधाएं मिलती है, बिजली पानी मुफ्त की बात होती है? हाँ, मिल रही है। बिजली नहीं मिल रही? नहीं है, मिल रही नहीं है, मुफ्त थोड़ी मिल रही है बिजली? मुफ्त नहीं मिल रही है, दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार, उन्होंने तो कहा बिजली पानी मुफ्त है भैया। हाँ, जिनको दया उनको दया, सबको थोड़ा ही मुफ्त है। सबको मुफ्त नहीं है? कहाँ लग रहा पानी है ही ना यहाँ? हाँ, पानी नहीं है, इतनी गंदगी है, ना पानी है, ना लाइट है। पीछे दिखाइएगा, छत देखिए,
छत नहीं है, इसको रहने के लिए छत नहीं बोलेंगे, इसको मजबूरी बोलेंगे। ये है गरीबी, चमचमाती बिल्डिंग, उसके बाद एक आशियाना ऐसा। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? रेशमा। रेशमा कहाँ, घर कौन सा है आपका? दुकान चलाती है? हाँ। इलेक्शन आता है, सरकार बनती है, मंत्री लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं वोट मांगने, तब वादे करते हैं, तब दोबारा से जब इलेक्शन होता है फिर आते हैं, उनको आप अपने पुराने वादे याद दिलाती हैं कि नहीं? दिलाते हैं, याद भगा भी देते हैं, डंडा लेके दौड़ा भी देते हैं। फिर भी सुधार नहीं है? सुधार नहीं है। बिजली पानी का क्या हाल है यार? बिजली पानी का तो ये पानी है, हाँ। बोरिंग का पीने का पानी खरीदते हैं और वैसा पानी है बोरिंग का, बिजली का है मीटर लगा हुआ है। अच्छा, पैसा पूरा लेंगे सुविधा के नाम पे कुछ नहीं? नहीं, पैसा पूरा बढ़ा चढ़ा के है पैसा। अच्छा। लॉकडाउन में 6-7 महीना बिल नहीं आई, अब आ रही है, एक बल्ब जल रहा है 300-350 रुपया बिल आ रही है। खाली एक बल्ब जलने का 350 रुपया बिल आ रहा है? कौन सा, 100 वाट का या सफेद वाला, LED वाला? हर चीज खरीदनी पड़ती है, कुछ भी मुफ्त का नहीं है। बिजली में भी धांधली, एक बल्ब जलता है और 400 रुपए बिल आता है। ये है सरकार, जागरूक सरकार है ये। ये हमारी आम जनता जो वोट देती है, इनको नेता मंत्री बनाती है और स्थिति देखिए इनकी।